Pradeep, we know that Dima Hasao district has been badly affected following the effects of Cyclone Rimal. What's the current status there? करंट स्टेटस ऐसा है कि धीमा हासाओ में अभी सुबह से तो थोड़ा बारिश रुक गया है, धूप दे रहा है और जैसे हम अपने कहा कि यह बिटवीन हालंका हाफलोंग रोड जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गए क्योंकि थाइजवारी जो बाजार एरिया में इलाका में पूरी तरह से जो पानी भर के भर जाने के वजह से वहाँ का जो ब्रिज है पूरी पानी के अंदर चला गया है और उसकी वजह से एक सबसे बड़ी बात है कि अभी ब्लॉक हो चुका है और एक तरफ सिलचर हाफलोंग रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। अभी फिलहाल जैसे तैसे करके वो गुवाहाटी हाफलोंग रोड अभी खुला है और उसके साथ साथ निमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का हाफलोंग इलाके से छोड़ करके माईबांग इलाका जैसे कि हारांगजाओ लाइसोंग और सभी जगह सब तरफ में अभी पूरी तरह से जो है रोड जो है ब्लॉकेज है और साथ में जो है बहुत सारे घर जो है डैमेजेस हुआ है और अभी जो है DDMA की तरफ से या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से सभी तरफ से हाई अलर्ट जारी करके रखा है फिलहाल अभी तक। लेकिन अभी ये अभी पता ना लगना मुश्किल हो रहा है कि लोगों का जो है कितना नुकसान हुआ है और अभी भी बहुत सारे खबर आना बाकी है। जैसे हम कहें तो न्यूली प्रोजेक्ट हम कहें तो जो लोंगको है बिटवीन उमरांगसो का सामने में है वहाँ पर न्यूली एक हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था जो वहाँ पर भी जो है पानी आ जाने की वजह से वहाँ पर लोग जो है अभी कुछ ऐसा अनहोनी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पर पानी भर जाने की वजह से वहाँ पर भी काफ़ी सारा डैमेजेस हुआ है और फिर इफेक्ट हुआ है। अगर और ज़्यादा बारिश देता है या फिर और ज़्यादा बारिश देगा तो आने वाला समय में बहुत सारा नुकसान होने का संभावना है और फिलहाल जो है अभी नया आज सुबह से जो है थाइजवारी इलाका जो है पूरी तरह से जो है अभी फ्लड हो गया है और उसकी वजह से रोड ब्लॉकेट पड़ा हुआ है। जी स्वदीप, हम विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो एरिया है डूबा हुआ है पानी के अंदर। इट्स बीन कम्प्लीटली इनंडेटेड। नाउ यू हैव टोल्ड अस दैट द लंका हाफ लॉन्ग रोड इट हैज़ बीन कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। कुछ ऑल्टरनेट रूट है, लोगों को किस तरह का सुविधा दिया जा रहा है फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़? ऑल्सो आपने बोला कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इसमें अफेक्ट हुआ है ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन रिमाल। जी बिल्कुल, सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी तो कोई भी रात में कोई भी हैवी व्हीकल हो या फिर कहीं पर भी अगर जाना आना हो तो उसको रात के समय में ट्रैवल नहीं करने के लिए मना किया गया है। और उसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर जाएँ तो उम्बाया उमरांगसो होकर के आप लंका जा सकते हैं या फिर नहीं तो हाफलोंग होकर के अगर माईबांग होकर अगर जाएँ तो वहाँ लंका या फिर गुवाहाटी या फिर जा सकते हैं। लेकिन अभी बिटवीन हम देखें तो डिहांगी से जो लंका रोड है या फिर ड्यूमरा का जो रोड है पूरी तरह से ब्लॉकेज है और आने वाला समय में अगर देखें जो बारिश ज़्यादा होने से और कहीं जगह बहुत सारा जगह में जो है वो रास्ता जो है वास्ता होने का संभावना है क्योंकि पिछली बार जब 2022 में जिस तरह का डिजास्टर हुआ रास्ता रोड ब्लॉकेट हो गया था लैंडस्लाइड के कारण तो वहाँ पर भी अभी पूरी तरह से यहाँ जो है मिट्टी जो है पूरी तरह से बैठा नहीं है तो जैसे जैसे वहाँ पर बारिश होता है तो वहाँ पर फिर से वो पानी जो है वहाँ उस रास्ते के ऊपर आने लग जाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो अभी जो है और नया जो है अगर बारिश अगर एक तरफ नहीं रुक रहा है तो और ज़्यादा नया फ्रेश लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा चांसेस है। और फिलहाल जो है लाइसोंग इलाका का जो है कल जैसे हमने बताया कल से जो है लोग ज़्यादा जो है खाने पीने का सामान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है क्योंकि वहाँ पर गाड़ी आने जाना नहीं सक रहा है और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं उन लोगों के लिए अगर जल्द से जल्द अगर धूप देखे या फिर बारिश नहीं रुक के अगर कंटिन्यूसली इस तरह से चलते रहा तो आने वाला समय में जो है वहाँ पर जो है खाने पीने का जो है समस्या जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर। जी स्वदीप, आपने बताया अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है बट IMD द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड light to moderate rainfall or heavy rainfall in the coming hours. So बारिश हो सकती है, लोगों की परेशानियाँ definitely बढ़ सकती है। स्वदीप, आप हमें ये बताइए कि area में approximately कितने लोग हैं जो affect हुए हैं इस due to this flooding?
पूरी डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें और पूरी डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ 100 में से अगर हम कहें तो 60-70% लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। लेकिन सभी घरों जो है लैंडस्लाइड के कारण सब लोग इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि जितना कहीं रोड ब्लॉक है तो कहीं घर खराब हो गया है, कहीं तूफान की वजह से किसी का घर छत उड़ गया है, तो कोई जगह पर जो है बहुत सारी जगह में हर गांव में अगर हम देखें तो हर गांव में 60-70% डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट का हर इलाका अभी इफेक्टेड में है, हम ये कह सकते हैं जी। और जैसे कि IMDT की तरफ से विद इन 3 आवर्स में इस तरह से लाइटनिंग हो सकते हैं, और जो है डिमा हासाओं से लेकर डिमा हासो कछार बक्सर बहुत सारे जिला को यहाँ पे जो है वार्निंग दिया गया कि आने वाला समय में 2-3 आवर्स में जो है इस तरह से जो है और भी बारिश हो सकते हैं। लेकिन उसको अगर देखें तो अगर ऐसा होता है तो अगर और हीट वेव में आते हैं तो शायद और भी यहाँ का जो है समस्या जो है धीरे धीरे बढ़ सकने बढ़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है।